हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेटवे क्लासेस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग और एरे के बारे में बात हो रही है एरे के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं वन डी एरे में न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी देखे हैं हमने अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म ऑन दी वन डी एरे ए वन डी एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं हर एक ऑपरेशन को एक एक करके देखेंगे उसका क्या मीनिंग है ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उसका एल्गोरिथम देखेंगे और उसका प्रोग्राम सी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं टूडे टारगेट इज लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन वन एरे के ऊपर है परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन ट्रेवर्स ऑपरेशन उसका एल्गोरिथम देखेंगे कैसे उसे इंप्लीमेंट करेंगे और प्रोग्राम में उसे कैसे लिखेंगे सी प्रोग्राम उसका कैसे बनाएंगे ये एरे के ऊपर इन सर्च एरे के ऊपर ट्रेवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चलिए कौन कौन से ऑपरेशन है

कम कम से कम सभी को एरे के जितने भी एलिमेंट है उनको एक बार प्रोसेस करना ये ट्रेवर्सल कहलाता है बेसिकली प्रिंट करना है अगर पूरे एरे को या किसी डेटा स्ट्रक्चर को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं लिंक लिस्ट की सभी आइटम्स को प्रिंट करना चाहते हैं ट्री में सभी आइटम्स को एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं ग्राफ को प्रिंट करना चाहते हैं तो उनसे हम प्रिंट ऑपरेशन नहीं कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में दैट ऑपरेशन इज नोन एज ट्रेवर्सल ऑपरेशन इंसर्शन ऑपरेशन का क्या मतलब है ऑलरेडी एक एरे आपके पास है आइटम्स आपके पास हैं ये कह रहे हैं सपोज फाइव एलिमेंट का पांचों की वैल्यू आपके पास है आप एक नया एलिमेंट किसी लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं उनके बीच में तो उसे इंसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं एक को रिमूव करना चाहते हैं उसे डिलीट ऑपरेशन कहते हैं अगर आप एरे में कोई ढूंढना चाहते हैं सर्च ऑपरेशन है एरे को अरेंज करना चाहते हैं सॉर्टिंग करना चाहते हैं यानी कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो उसे सॉर्टिंग कहते हैं बहुत सारी अलगोरथम है यहाँ पे किसी एक अल्गोथम का यूज करके एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं ये सीखेंगे Concatenation का मतलब है आपके पास कम से कम दो एरे होने चाहिए पहले के बाद में दूसरे को जोड़ना यानी कि एक एक है है दो एरे को तीसरे सॉर्टेड एरे में चेंज करना बदलना कॉन्केटिनेट करना मर्ज करना दैट इज प्योर मर्जिंग ऑपरेशन एरे को रिवर्स कर देते हैं जो यानी कि लास्ट था वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाए सेकेंड लास्ट था से वो एरे में, हो जाए और कॉपी करने का मतलब है एक एरे की कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन को दूसरे एरे की उन्हीं लोकेशंस के ऊपर सब स्क्रिप्ट के ऊपर कॉपी करना और स्वैप करने का मतलब है आप किसी एक लॉजिक का यूज करके एरे की किसी वैल्यू को स्वैप करते हैं किसी दूसरी वैल्यू के साथ तो एक एक करके पूरे सभी ऑपरेशन को देखेंगे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मर्ज ऑपरेशन एग्जाम में पूछा गया है ट्रेवल्स के बिना तो आप कोई प्रोग्राम लिख नहीं सकते हैं इंसर्शन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है सर्च ऑपरेशन एग्जाम में पूछा गया सॉर्टिंग भी किसी तो बहुत तरह की होती है एक ना एक सॉर्टिंग एग्जाम के अंदर जरूर आती है तो एरे के ऊपर ये सारे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे एक एक करके हम देखते हैं इसको सबसे पहला ऑपरेशन है ट्रेवर्सिंग ऑफ डी एरे ट्रेवर्स ऑपरेशन डी एरे के ऊपर कैसे परफॉर्म करेंगे ट्रेवर्सल का मतलब क्या है विजिटिंग ऑफ ईच एलिमेंट विजिट करना हर एक एलिमेंट को ऑफ एरे एग्जैक्टली वंस एक बार कम से कम दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ ईच एलिमेंट प्रोसेस करना हर एक एलिमेंट को फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विजिट करना घूमना ट्रेवर्स करने का मतलब पहले आइटम से लेके लास्ट एलिमेंट तक लोकेशन पे जो आइटम है एलिमेंट है जो नंबर है जो डेटा है वहां से लेके लास्ट नंबर लास्ट नंबर मतलब जो एन माइनस वन लोकेशन है बिकॉज एरे इज ए कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स तो एन माइनस वन तक उसे ट्रेवर्स करना ट्रेवर्सल के लिए लॉजिक है कि एलगोरथम कैसे लिखेंगे हमेशा अलगोरथम आप ऐसे लिखेंगे बहुत आसान है अलगोरथम को लिखना एलगोर्थम लिखेंगे सबसे पहले फिर लिखेंगे जिसके लिए आप एल्गोर्थम लिख रहे हो ट्रेवर्स लिखेंगे कैपिटल में लिख सकते हैं आप उसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं कैपिटल में लिख सकते हैं यहाँ पे ए का मतलब है कि एक एरे आपके पास होना चाहिए और एन का मतलब है वो एन एलिमेंट्स का है अब जितना भी हम लॉजिक लगाएंगे वो फिक्स के लिए नहीं लगाएंगे वो एन एलिमेंट के लिए लगाएंगे जितने भी ऑपरेशन हम ये परफॉर्म करेंगे वो एन एलिमेंट्स के लिए होंगे तो एक एरे है

लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने पढ़े होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन भी नहीं कहते हैं जो प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करता लिखता है उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं इनको बनाने के लिए कम से कम आपके पास प्रोग्राम में आपको तीन स्टेटमेंट लिखने आने चाहिए वो तीन स्टेटमेंट कौन से होते हैं सबसे पहला होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं इसे ही फंक्शन प्रोटोटाइप को फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं दूसरा है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और तीसरा है फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन से कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है सी प्रोग्राम लिखना है तो आपके पास उस प्रोग्राम के अंदर ये तीन ही स्टेटमेंट होने चाहिए क्या मतलब है मैं इनका मीनिंग आपको बता देता हूं कैसे लिखते हैं इनको जैसे सबसे पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या सिंटेक्स है फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले आप फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है वो लिखते हैं डेटा टाइप या फिर यहां पे लिखते हैं रिटर्न टाइप कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है उसके बाद आप लिखते हैं फंक्शन का नाम उसके बाद फिर आप डेटा टाइप डेटा टाइप टू डेटा टाइप थ्री एंड सो ऑन डेटा टाइप एन लिखते हैं यानी कि ये फंक्शन जितने आर्ग्यूमेंट पे काम करता है वो उतने ही डेटा टाइप आपको लिखने होते हैं जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक आपने लिया था जब आप सम करने का फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन का नाम आप रखते थे सम और आप कहते थे कि ये दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट पे काम करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है तो सम फंक्शन वर्क्स ऑन टू आर्गुमेंट बोथ आर ऑफ इंटीजर टाइप एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू तो फंक्शन के नाम से पहले अगर आई लिखा है तो इसका मतलब ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन के नाम से पहले अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तब तो भी ये बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर करता है यानी कि फंक्शन के नाम से इंटीजर पहले इंटीजर लिखे या कुछ नहीं लिखते हैं तो दोनों बात बराबर है इंटीजर करता है फंक्शन के नाम से पहले कैर लिखा है तो इसका मतलब फंक्शन कैर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ इसके पास आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर होंगे उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जैसा भी डेफिनेशन में लिखा होगा ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है जो उससे पहले लिखा है तो फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करता है फंक्शन प्रोटाइप ये बताता है फंक्शन का नाम क्या है फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट के ऊपर काम करता है वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप के होते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किस टाइप की फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है चार बातें पता चलती हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन वन हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है दो किस तरह के वर्क होते हैं वो आर्ग्यूमेंट इंटीजर करेक्टर फ्लोट कुछ इंटीजर कुछ करेक्टर ये तीसरी बात है चौथी बात क्या है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है तो ये तो है फंक्शन प्रोटोटाइप दूसरा स्टेटमेंट क्या था जो मुझे मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन से बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए फंक्शन फंक्शन कॉल कॉल स्टेटमेंट स्टेटमेंट पे लिखते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लिखते हैं क्या सिंटेक्स है इसका फंक्शन कॉल का फंक्शन कॉल के दो सिंटेक्स हैं पहला है वेन फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो सिंटेक्स क्या है वेरिएबल नेम इक्वल्स टू फंक्शन नेम और आर्गुमेंट वन कॉमा आर्गुमेंट टू कॉमा एंड सो ऑन Argument is close. जब function value करता है, तो आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे फंक्शन डेफिनेशन पे जाते हैं फंक्शन के नाम से फंक्शन पे जाएंगे और फंक्शन में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा दूसरा क्या है वेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू जब फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो बस वेरिएबल नेम नहीं, नहीं लिखते हैं कितना लिखते हैं बस सिंटेक्स फंक्शन नेम फंक्शन नेम और इन पैरंथिस आर्गुमेंट वन कॉमा आर्गुमेंट टू कॉमा एंड सो ऑन आर्गुमेंट ए ये मैं आपको सी नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्योंकि अभी मैं जितने भी ये प्रोग्राम बनाऊंगा फंक्शन से बनाऊंगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन कैसे लिखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का मैं आपसे बात करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए जब मैं प्रोग्राम को आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो आपको प्रॉब्लम ना आए कि ये क्या लिखा है हमने फंक्शन कॉल कैसे लिखा है फंक्शन प्रोडाइप कैसा लिखा है फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखा है आगे चलते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है तीसरा स्टेटमेंट है फंक्शन का डेफिनेशन ये वो जगह होती है जहां पे आप लॉजिक लिखते हो जो मेन फंक्शन का पार्ट नहीं होता है मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं इसको सिंटेक्स क्या है इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं रिटर्न टाइप उसके बाद क्या लिखते हैं फंक्शन का नाम लिखते हैं आप फिर उसके बाद पहला आर्गुमेंट उसका डेटा टाइप आर्गुमेंट का नाम फिर दूसरे आर्गुमेंट का डेटा टाइप फिर आर्ग्यूमेंट का नाम इस तरीके से जितने भी हैं डेटा टाइप एन और आर्ग्यूमेंट एन करोज क्लोज लिव डिस्ट स्टार्ट देन फंक्शन बॉडी जो भी काम आपको करना है जो भी लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है वो फंक्शन के अंदर लिखते हैं ये फंक्शन का सेंटेंस है एक बात और बता देता हूं ये मेन फंक्शन है जनरली इस तरीके से लिखते हैं आप लोग ये मेन फंक्शन है फंक्शन का प्रोटोटाइप मेन से पहले लिखते हैं और फंक्शन डेफिनेशन को मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं और फंक्शन कॉल करते हैं आपने मेन फंक्शन के अंदर तो इस तरह का आर्किटेक्चर रहता है लेकिन अगर आप फंक्शन डेफिनेशन को पहले लिखते हैं देन नो नीड टू राइट फंक्शन प्रोटोटाइप अगर आप मेन फंक्शन के बाद फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो आपसे कहेगा भाई फंक्शन का प्रोटाइप बताइए क्या है फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है वो आपने डिफाइन नहीं किया है लेकिन अगर आप इसे ऊपर लिख लेते हैं तब आपके सामने इस तरह की वार्निंग या एयर नहीं आएगी कि आपको फंक्शन प्रोटाइप लिखना जरूरी है तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए चलिए वापिस चलते हैं हम ऑपरेशन कर रहे हैं ट्रेवर्स तो मैंने पहले आपको एल्गोरिथम दिखाया था मैं आपको ये बात बता दूंगा जनरली मैं क्या कहता हूं वैसे तो ऐसा होता है कि पहले आप एल्गोरिथम लिखिए फिर एल्गोरिथम को समझने के बाद आप उसका प्रोग्राम बनाइए लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अभी खुद देखेंगे मैं आपको अभी प्रोग्राम रखता हूं आपके सामने

वो फंक्शन की डेफिनेशन को ही आपको अल्वार में कन्वर्ट करना होगा जैसे वो है ट्रेवर्स इंटीजर ए ये दो ये ट्रेवर्स क्या है फंक्शन का नाम है और ये फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है और एरे क्या है एक एरे है जो जिसे आपको ट्रेवर्स करना है जिसे आपको प्रिंट करना है ये एरे कहाँ पे इनपुट कराया होगा प्रिंट कराया होगा इनपुट कराया होगा मेन फंक्शन में मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर किया एक आई वेरिएबली आपको लूप लगाना है एन हमेशा जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो एन एलिमेंट के लिए लिखेंगे और क्या लिखा है, ने कहा 50 है। तो एरे का साइज आपने कितना लिया एरे का साइज आपने 20 लिया ये मैं हर बार आपको बात बता रहा हूं कि एरे का साइज फिक्स होता है रन टाइम पे बढ़ा नहीं सकते घटा नहीं सकते लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो यूजर से एक साइज डिसाइड करके कि सपोज मैं एरे ले ट्वेंटी लेता हूँ और यूजर से पूछता हूँ तो उस समय पर आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा ये क्या लॉजिक है कि n की की वैल्यू वैल्यू इनपुट कराने के बाद अगर n की उससे बड़ी है जो एरे का साइज है इफ n ग्रेटर देन 20, जैसे कि आपने 50 ले लिया तो मैसेज आएगा इन साइज ये आपने साइज जो इनपुट किया है ये गलत है आपको दोबारा से प्रोग्राम को रन करना चाहिए और साइज को इनपुट करना चाहिए ये मैसेज पहले डिस्प्ले हो गेट सी एच से डिस्प्ले होगा और फिर एग्जिट करके हम कहाँ से आ जाएंगे प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे ये लाइब्रेरी फंक्शन होता है ब्रेक से तो हम लूप से बाहर आते हैं और एग्जिट से हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं तो अगर मैं सीधे केवल एग्जिट लिख देता हूँ आप सोचो कि भाई बीच में गेट सी एच कैसे लिख दिया सर आपने गेट सी एच तो हमेशा हम बाद में लिखते हैं आपने बीच में क्यों लिखा है गेट सी एच इनपुट फंक्शन होता है और वो कब तक वेट करता है जनरली ये डाउट रहता है कि आउटपुट देखने के लिए हम गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं और वो एक आउटपुट फंक्शन होता।, होता है नहीं गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन होता है याद रखिए इस बात को गेट सी एच कैसा फंक्शन है गेट सी एच ईजे इनपुट फंक्शन आपने देखा होगा गेट सी एच जब आप लगाते हैं तो जैसे ही आप प्रोग्राम को अपना रन करते हैं तो वो आउट किस आउटपुट स्क्रीन पर रुक जाता है कब तक रुका रहता है जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते हैं वो कोई की जब आप प्रेस करते हैं इसका मतलब यू आर एंटरिंग ए करेक्टर यू आर इनपुटिंग ए करेक्टर वो हर एक की जो है की बोर्ड की वो एक करेक्टर होता है

गेट से अच्छे वेट करेगा आपको दिखाई देगा और एग्जिट से प्रोग्राम से प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा यानी बिल्कुल बाहर आ जाएगा ठीक भी है अगर एन की वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा है जो एरे का मैक्सिमम साइज है तो प्रोग्राम चलेगा कैसे कोई उस प्रोग्राम को आप एक्सेस करेंगे क्यों उस प्रोग्राम को आप आगे पढ़ेंगे क्यों क्योंकि प्रोग्राम वो गलत होने वाला है तो अगर ये वैल्यू एन की सपोज यूजर ने कहा एन की वैल्यू फाइव है तो फाइव ग्रेटर देन ट्वेंटी है फाइव ग्रेटर दैन ट्वेंटी ये कंडीशन फॉल्स है ये फॉल्स है तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा सीधे कहाँ पर आएगा यहां पे आ जाएगा और यहां पे आप क्या कर रहे हो जीरो से लेके एन तक एन, एन की वैल्यू फाइव है ये किस -किस ये ये के 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 तो ये ये जो लूप है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि से छोटा नहीं होता है तो इससे आपको कितने नंबर मिलेंगे इससे आपको पूरे पांच नंबर मिलेंगे क्योंकि अगर आई एन की वैल्यू फाइव है तो लूप पांच बार चलेगा और सपोज वो पांच नंबर कहां कहां पे स्टोर होंगे वो जीरो से लेके एन माइनस सेवन यानी कि फोर तक स्टोर होंगे टोटल 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 कितने कितने होंगे 0, 1, 2, 3, 4. कितने होंगे होंगे यानी कि एलिमेंट एलिमेंट इन इंडेक्स नंबर पे फाइव तो ये इनपुट कराने के लिए ये पूरा जो लूप लिखा हुआ है ये एरे को इनपुट करने के लिए है या ये एरे को रीड करने के लिए इसके बाद आपने ट्रेवर्स फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले जब आप कंट्रोल एफ नाइन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम जब रन होता है कंट्रोल एफ नाइन ऑल्ट एफ नाइन जब आप करते हो कंपाइल करते हो तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंपाइलर है सबसे पहली लाइन किसको रीड करता है वो मेन पे आ जाता है मेन से पहले वर्ड की स्टोरी आपको पता होगी मेन इज दैट फंक्शन फ्रॉम वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर स्टार्ट दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तो मेन से पहले मेन भी एक फंक्शन होता है उसका अपना रिटर्न टाइप होता है अगर आप चाहते हो कि इसका कोई रिटर्न ना करे वैल्यू तो आप वर्ड लिखते हो जनरली हमेशा हम वर्ड लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते हैं तो नीचे रिटर्न जीरो करना पड़ता है या इंटीजर लिखते हैं तो रिटर्न जीरो करना पड़ता है एक अलग से आपको अगर आप से पहले लिखेंगे तो एक वार्निंग आएगी फंक्शन वैल्यू उसके दो तरीके हैं उस वार्निंग को दूर करने के दो तरीके या तो मेन से पहले वर्ड लिख लें या फिर आप नीचे रिटर्न जीरो लिख लें जीरो तो रिटर्न जीरो करेंगे तो वो जो वो कहता है वार्निंग फंक्शन शुरू वो आपकी वैल्यू वो वार्निंग दूर हो जाएगी वो आगे की स्टोरी है कि सबसे पहले ये बात C++ में बताई गई बेजर ने में ने, ने बताया कि भाई हर एक फंक्शन एक वैल्यू टर्न करता है ये एक अलग स्टोरी है इसके बारे में कभी फिर मौका लगेगा तो बात करेंगे तो जैसे ही ट्रेवर्स फंक्शन आपने यहाँ पे इनपुट कराने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल किया ट्रेवर्स फंक्शन कॉल किया ये क्या है फंक्शन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं इसका प्रोटोटाइप लिखेंगे फंक्शन का प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रोटोटाइप लिखेंगे लेकिन अगर मेन से पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखा है तो प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे मॉड्युलरिटी बढ़ाने के लिए आप फंक्शन का यूज करते हैं मॉड्युलरिटी इंक्रीज करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं यानी कि अगर आपको दस काम करने हैं तो दस काम एक मेन फंक्शन में ना करके दस आप फंक्शन बना दीजिए अगर दस में से कोई एक काम ठीक नहीं होता है तो अगर आपने फंक्शन के थ्रू नहीं बनाया तो आपको पूरे प्रोग्राम को रीड करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सी एग्जीक्यूटिव लाइंस हैं, वो कौन सा कोड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है जो है आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है लेकिन अगर आप फंक्शन का यूज करते हैं तो जो ऑपरेशन यानी कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप पर्टिकुलर उस फंक्शन के ऊपर जाएंगे उस मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे उस फंक्शन डेफिनेशन पे जाएंगे और अपने प्रोग्राम को ठीक कर लेंगे तो इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं सारे आगे प्रोग्राम जो है फंक्शन का यूज करके बनाएंगे सभी के अंदर पॉइंटर्स का यूज करेंगे और स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा जैसे मैंने आज आपको फंक्शन समझाया जब मैं स्ट्रक्चर का यूज करूंगा लिंक लिस्ट से पहले तो मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा तो ट्रेवर्स ए है अब आपने इसमें कितने आर्गुमेंट पास किए दो आर्ग्यूमेंट पास किए एक तो आपने एरे का नाम पास किया एरे का नाम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैं हमेशा कहता हूं कि एरे का नाम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है एरे नेम इज इट सेल्फ एन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे पूरा एरे का अगर आपको बेस एड्रेस मालूम है तो आप पूरे एरे को इजीली एक्सेस कर सकते हो तो वही वाला कॉन्सेप्ट है एरे का जो एड्रेस है ए का मतलब A का मतलब जो है अपने आप में ये है दिस इज इक्वल टू ए दिस इज इक्वल टू ए यानी कि बेस एड्रेस पांच वैल्यू है इलेवन ट्वेंटी टू फाइव सिक्स नाइन ये बात मैंने पहले की थी अगर सपोज बेस एड्रेस वन हंड्रेड टेन है तो वन हंड्रेड टेन जो बेस एड्रेस है वो किसमें होगा वो एम परसेंट ए जीरो ए जीरो का एड्रेस दिस इज ए जीरो अगर एरे का नाम ए है ए जीरो का एड्रेस हे जीरो का एड्रेस अपने आप में ए है ए लिखने से भी यही मतलब है ए प्लस वन लिखने का मतलब है 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 दूसरे का का मतलब है तीसरे का का एड्रेस एड्रेस ए ए प्लस मतलब मतलब तीसरे एस्ट्रिक लिखने पहले की वैल्यू एस्ट्रिक ए प्लस वन लिखने का मतलब है पहले एसटिक ए मतलब उसमें प्लस वन ये बात मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर जब डिस्कशन किया था मैं कर चुका हूं तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये दो आर्ग्यूमेंट होंगे एक तो एरे का एड्रेस लेके जाएगा और एन यानी कि कितने नंबर हैं उस वैल्यू को लेकर जाएगा एन की वैल्यू सपोज हमने इनपुट की फाइव और एड्रेस लेके जाएगा पहले एलिमेंट का तो तो जैसे ही जाएगा तो कहां पे जाएगा पे फंक्शन डेफिनेशन पे है फंक्शन डेफिनेशन तो वो यहां पे आ जाएगी वैल्यू और एन की वैल्यू यहां पे आ जाएगी ठीक है उसके बाद अब ये लॉजिक क्या लगाया आपने अब इस पूरे एरे को सपोज ये एरे है आपका इस पूरे एरे को एरे क्या है इलेवन टू एट नाइन सेवन है सपोज जीरो वन टू थ्री फोर ये है वो एक एरे सपोज आपने ट्वेंटी लिया था तो पांच ही यूज होंगे तो ए फाइव में ए जीरो ये है तो आपने क्या किया के इक्वस टू जीरो ले लिया के इक्वस टू जीरो का मतलब है मैंने लोअर बाउंड सेट कर दी ये एरे की लोअर बाउंड है और ये एरे की अपर बाउंड है अगर एरे पांच एलिमेंट का है तो के के अंदर कितना आ जाए के के अंदर जीरो आ जाए के के अंदर जीरो आ जाए लेके मतलब है फोर सॉरी एन का मतलब है फिर टू लेस देन फाइव फिर थ्री लेस देन फाइव फिर फोर लेस देस देन फाइव तो नहीं चलेगा ये फॉल्स हो जाएगा तो पांच बार ये लूप चलने वाला है क्या कि आप प्रिंट कर दीजिए ए के को सबसे पहले जीरो होगी वैल्यू के की तो किसे प्रिंट करेगा ए जीरो को प्रिंट करेगा के प्लस प्लस से वैल्यू वन हो जाएगी फिर यहां से वापस जाएगा फिर के के कितना हो गया वन लेस देन एन कंडीशन ट्रू होगी वन लेस देन एन का मतलब है वन लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू वन लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू हो गई ए के को प्रिंट कर देगा यानी कि ए वन को प्रिंट करेगा के प्लस प्लस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी फिर वापस जाएगा फिर थ्री के लिए फिर फोर के लिए और कब तक उसके बाद फिर ए टू प्रिंट होगा फिर उसके बाद वो ए थ्री प्रिंट होगा सपोज ए थ्री के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी फोर हो गई वापस गया तो कंडीशन चेक होगी फोर लेस देन एन एन का मतलब है कितना कंडीशन कैसी है true है ट्रू ट्रू इफ दिस दिस कंडीशन इज इट इट विल विल प्रिंट स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूटेड को प्रिंट कर देगा ए के का मतलब है ए फोर को प्रिंट कर देगा ए फोर का मतलब है इलेवन हो चुका टू हो चुका एट हो चुका नाइन हो चुका सेवन को प्रिंट कर देगा ये प्रिंट करने का मतलब प्रोसेस कर देगा वही थम कह रहा है इसका के प्लस प्लस से वैल्यू फाइव हो जाएगी फिर ये वापस जाएगा और इस बार कंडीशन क्या बनेगी फाइव लेस देन फाइव ये कंडीशन कैसी है फॉल्स है फाइव फाइव से छोटा नहीं होता फॉल्स हो जाएगा तो इससे बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ये फंक्शन यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा ये यहां से शुरू हुआ था ये बंद हो जाएगा ये बंद होने के बाद इसके बाद ट्रेवर्स फंक्शन क्या करेगा ट्रेवर्स फंक्शन इस ट्रेवर्स फंक्शन को कॉल करके इसे प्रिंट कर देगा तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या क्या मिलेगा इलेवन टू एट नाइन सेवन सिंपल सा लॉजिक है ये पहले ऑपरेशन का, तो का नाम क्या है जो प्रिंट करने के लिए प्रोसेस करने के लिए राइट करने के लिए यूज करते हैं उसे ट्रेवर्स ऑपरेशन कहते हैं अब एल्गोरिथम कैसे लिखी है इसकी बहुत इजी एल्गोरिथम है देखो एल्गोरिथम है ए एन फंक्शन कैसे कॉल किया फंक्शन की तरफ ध्यान दो एक एरे पास किया एक एन पास किया तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा Traverse, ट्रेवर्स लिखा ए एन फिर लिख दिया अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसे में भी ऐसे लिखते हैं, A, स्टार्ट किया पहला स्टेप स्टार्ट है फिर दूसरा स्टेप क्या था प्रोग्राम में देखिए दूसरा स्टेप क्या था आपने इनिशियलाइज किया के को जीरो लोअर बाउंड पे सेट किया तो देखिए मैंने यहां पे भी यही लिखा है बिल्कुल उसे देख के काउंटर इनिशियलाइजेशन दैट इज सेट के इक्वल्स टू लोअर बाउंड कर दिया लोअर बाउंड इसके बाद क्या रिपीट स्टेप फोर एंड फाइव ये ये बाद में लिख लेते हैं स्टेप पहले तो ये कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं तो कंडीशन कहां से मिली मुझे कंडीशन यहां से मिली मुझे यहां से मिली वाइल के लेस देन एन के लेस देन एन तो मैंने यहां पे भी ये लिखा के लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड लेस देन एन क्या है अपर बाउंड है के कितना है के में मैंने सेट किया लोअर बाउंड और वो कब तक अपर बाउंड तक अब ये तो मालूम ना तो मैं लोअर बाउंड क्या कह रहा हूं और इसका अपर तो बाउंड क्या है फाइव है मैं पहले भी आपको बताया कि अगर सी की बात करते हैं तो वो जीरो है अगर आप किसी किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं रेगुलर एरे की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऐसी चलेगा कि लोअर बाउंड क्या है वो वन है

मैं क्या लिख रहा हूं इस कंडीशन के बाद मैं लिख रहा हूं अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं प्रिंट कर रहा हूं तो में मैंने क्या लिख दिया? मैं लिख दिया, हर एक एलिमेंट को या मैं क्या कर रहा हूँ अप्लाई प्रोसेस टू ए के या मैं लिख सकता हूं प्रिंट ए के या मैं लिख सकता हूं राइट ए के लिखने का तरीका है समझना है बस और उसके बाद मैं क्या करता हूं उसके बाद केवल के प्लस प्लस करता हूं। में एक इंक्रीमेंट कर देता हूं तो मैंने लिख दिया

फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव या लिख दू फोर टू फाइव ये भी लिख सकता हूं रिपीट स्टेप फोर टू फाइव और उसमें condition क्या लिखी 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 है? उसमें condition लिखी है, है उसमें उसमें जो तो K less than N को मैंने कैसे लिख दिया के लेस एन को लिख दिया इफ के लेस इक्वल टू अपर बाउंड तो एक तरीका है लिखने का और ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होंगे फोर और फाइव जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फोर और फाइव लिखा है ना मैंने फोर फाइव को एग्जीक्यूट नहीं करेगा सीधा आएगा एंड ऑफ स्टेप और ट्रेवर्स तो हाँ, तो ऑपरेशन है ट्रेवर्स ऑपरेशन का मतलब होता है एक एरे को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करना डिस्प्ले करना प्रिंट करना राइट करना ये सारी टेक्नोलॉजी सेम है और हर एक प्रोसेस को कम से कम एक बार रीड करना रीड uh, करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करना यानी कि उसे राइट करना या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना दिस ऑपरेशन इज नोन एज ट्रेवर्स ऑपरेशन तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा तो पहले अगर आप लॉजिक समझना चाहते हैं तो ये एल्गोरिथम है बहुत सिंपल लॉजिक है और ये फिर फंक्शन के थ्रू मैंने इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है ये पूरा प्रोग्राम मैंने बना दिया है पहले मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन होता कैसे है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है और ये पूरा प्रोग्राम आप एज इट इज रन करके देखेंगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा एक एरे आप इनपुट कर पाओगे इनपुट करने के बाद पूरे एरे को आप डिस्प्ले कर पाओगे चलिए बाकी नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन वन डी एरे ये बात मैंने आपको बता दी कि आप पहले प्रोग्राम लिख लें क्योंकि लॉजिक को समझना बहुत आसान है और उस लॉजिक को आप एल्गोरिथम में समझ एल्गोरथम की लैंग्वेज जो जैसी जिस लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसमें लिख सकते हैं इसीलिए चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन वन एरे। थैंक यू